नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने अपने कुछ लास्ट वीडियोस के अंदर क्या चर्चा की थी और मार्केट के अंदर कैसा रहा और मार्केट कैसा चला। दूसरी चीज, हम ये भी चर्चा करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर कि आगे आने वाले दिन जो है, यानी कि जो ट्यूजडे का दिन है, वहां पर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और मार्केट किस दिशा में जा सकती है। पॉसिबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट्स को देखने की बात, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम लोग आपको लर्निंग देते हैं। कल भी हमने एक लर्निंग की वीडियो डाली थी, वीडियो नहीं, ऑब्वियसली वो एक लाइव स्ट्रीमिंग थी, हमारी पहली लाइव स्ट्रीमिंग थी इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर ये लाइव स्ट्रीमिंग थी हमने जो कल की थी, और इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हमने आपको एक बात बताया था कि यहाँ पर जो फंड हैं लार्ज कैप कंपनीज के, अब वो फंड जो हैं धीरे धीरे ट्रांसफर किए जाएंगे, रीएलोकेट होंगे, और सेबी के सर्कुलर के हिसाब से उनको ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी एक्सेस फंड है मल्टी कैप फंड के द्वारा, जो भी एक्सेस फंड लार्ज कैप फंड के अंदर, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर मौजूद है, उनका आउटफ्लो किया जाएगा और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के अंदर डाला जाएगा। तो फिर दोस्तों देखते हैं, आज मंडे को हमने जैसा कहा था आपको कल वाले लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, वैसा हुआ या नहीं हुआ, तो इसकी हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप आ जाइए, ये आज का दिन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो आज का डे क्लोज का, यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है। ये है दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज के टॉप 50 स्टॉक्स, आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर से आउटफ्लो शुरू हो चुका है, आप खुद चेक कर सकते हो। 3% से ज्यादा स्टॉक भी हैं, 2% स्टॉक, 1% स्टॉक, और इवन रिलायंस के अंदर एक अच्छी न्यूज थी, बट उसके बावजूद भी रिलायंस के अंदर से भी आउटफ्लो रहा 1% का। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रिलायंस हो चाहे वो कोई भी मल्टी कैप, मतलब आपका लार्ज कैप स्टॉक हो, वो सब में से आउटफ्लो स्टार्ट हो चुका है, और इसकी चर्चा हमने कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में करी थी। और हम चेक कर लेते हैं, हम नेक्स्ट 50 यानी कि जो पहले रैंक के टॉप 50 स्टॉक है, उसके बाद के जो नेक्स्ट 50 स्टॉक होते हैं उसके अंदर भी यही हाल है, 5% से लेके 1% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। और हमने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में कहा था कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो बचेंगे, उनके अंदर उतनी गिरावट नहीं रहेगी, और आप जाके चेक करिएगा कि आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। ये अभी एक दिन के ऊपर हमने कहा नहीं था कि आपको कि एक दिन के ऊपर आपको पैनिक होने की जरूरत है, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर है, और ये 2021 जनवरी तक का एक कंप्लीट डेडलाइन है, जो कि सेबी के सर्कुलर के हिसाब से मल्टी कैप फंड्स को कंप्लीट करनी है, और उसकी शुरुआत दोस्तों हो चुकी है, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर से रीएलोकेशन का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, एक बात और हमने आपको कहा था, हमने आपको सिंपल सी बात है ये वाली बात कही थी कि आपको सेल ऑन राइज करना है, मार्केट के अंदर जो है बेयरिशनेस है, वो वाली बात हमने कही थी आपको सैटरडे वाली वीडियो के अंदर, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली जो ये थंबनेल है, आपको ये वाला जो वीडियो दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो के अंदर जो हमने वीकली निफ्टी व्यू और बैंक निफ्टी व्यू का आपको बताया था डीप एनालिसिस करके कि मार्केट कैसा रह सकता है, तो मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया दोस्तों। ये हमारा लास्ट 2 डेज के अंदर जो भी हमने बातें कही थी आप लोगों को, वो सब बातें आपको यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं अपने आज के टेक्निकल्स को और डाटा पॉइंट्स को कि मार्केट अब आगे की राह किस तरीके से दिखा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये भी बॉक्स है, यहाँ पर ये बॉक्स भी है। तो पहला बॉक्स है ये वाला, दूसरा बॉक्स है दोस्तों ये वाला, और तीसरा बॉक्स है दोस्तों ये वाला। अब ये बॉक्स जो बनाए गए हैं मेरे द्वारा, ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाए गए हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि दोस्तों, यहाँ पर जब ये क्रैश हुआ था
उस क्रैश से पहले तकरीबन 4 मंथ्स के आसपास आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस चला था मार्केट के अंदर। तो ये 4 महीने के आसपास जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेस चला था, और 4 महीने की डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, यानी कि कंसोलिडेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और 4 महीने कंसोलिडेशन होने के बाद जब मार्केट फॉल हुआ, वहां पर दोस्तों 40% की एग्जैक्ट गिरावट आई थी। ये भी आप लोगों के सामने ऑलरेडी प्रूव्ड है। दोस्तों यहां पर एक और बॉक्स मिलेगा आपको। अब ये बॉक्स क्या कहता है कि जब मार्केट क्रैश हुआ तो यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट चालू किया गया, मार्केट को एक ब्रेकआउट के अंदर लेके गए, और फिर अब वो दोस्तों सेम कहानी रिपीट हो रही है जो कहानी यहां पर रिपीट हुई थी पास्ट के अंदर। यानी कि वो कहानी क्या थी कि यहाँ पर 4 मंथ्स जो है आपका कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को एडॉप्ट किया था। यहाँ पर ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके हैं दोस्तों, जो ये बॉक्स है इसके अंदर ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके हैं। मार्केट जो है कंसोलिडेशन के अंदर गया है 17th of July, ठीक है। तो यानी कि 17th of July से यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर। और यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये कंसोलिडेशन कितना लंबा चलेगा, ये तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन ये 17th July से कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट है। और यहां पर भी दोस्तों सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है जैसा कि पिछले बार हुई थी। तो पिछली बार का कंसोलिडेशन था दोस्तों 4 महीने का, 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर यहां पर 3 मंथ का भी कंसोलिडेशन होता है 17th July से लेके 17th August ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, और 17th August से लेके आपका 17th September जो कि अब 2 दिन बाद है, ऑलमोस्ट यहां पर 2 मंथ्स हैव बीन पास्ट, 2 मंथ्स जो है ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो यहां पर 2 मंथ ओवर हो चुके हैं। और अगर ये कंसोलिडेशन 3 मंथ्स या 4 मंथ का होता है, सपोज कीजिए 3 मंथ का होता है, तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड फॉल होगा दोस्तों तकरीबन 30% का होगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या लॉजिक है, ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो पहले ही। दोस्तों ये बैक टेस्टेड है। होता क्या है कि जितना ज्यादा कंसोलिडेशन में मार्केट होता है, जितना ज्यादा रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट चलता है, जितने मंथ कंसोलिडेशन के होता है उतना ही परसेंट मार्केट वहां पर फॉल करता है, ठीक है। तो यहां पर यही लॉजिक मैंने यहां पर लगाया, और इसकी हमने बैक टेस्टिंग भी की हुई है, आप बैक टेस्टिंग जाके खुद भी कर सकते हो दोस्तों। तो यहां पर 3 मंथ्स का, अगर जैसे कि अभी 2 मंथ के हिसाब से अगर अभी हमारा फॉल शुरू होता है तो यहां पर 20% का फॉल आना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन है फिलहाल जो है 2 मंथ बीते हैं मात्र। लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी कंडीशंस नहीं दिख रही है फॉल वाली, मैं आपको यहां बता रहा हूं कि अब 2nd मंथ ओवर होने के बाद हम 3rd मंथ के अंदर एंटर हो जाएंगे, और अगर कंसोलिडेशन 3rd मंथ तक पूरा रहता है तो देन यहां पर 30% कम से कम करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। और ये एक लॉजिक होता है, ये एक टेक्निकल का पार्ट होता है, आप इसको माने या फिर ना माने, ठीक है। अब दोस्तों आगे भी चलते हैं, फटाफट से एक और लर्निंग देते हैं हम आपको कि जब ये कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा और मार्केट एक फॉल के अंदर जाएगा तब आपको क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों याद रखिएगा, तब आपको बिग प्लेयर्स की फ्रेश पोजीशंस मिलेंगी, वो भी शॉर्ट वाली। ये भी आपके लिए एक लर्निंग का पार्ट है, बिग प्लेयर्स यहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाना शुरू कर देंगे, और वो फॉल को एग्जीक्यूट करने से पहले अपनी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर चुके होंगे। यहां पर जब फॉल आया था
इस कॉल के आने से पहले ही बड़े प्लेयर्स ने 60,000 शॉर्ट पोजीशंस फ्रेश वाली क्रिएट कर ली थी फ्यूचर्स के अंदर। लेकिन अभी अभी हमको यहां पर कोई भी न्यू फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं दिख रही है, इसलिए इसीलिए यहां पर अभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट फॉल होना शुरू होगा। अभी भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा पॉइंट्स और टेक्निकल्स को देखने के बाद कि अभी भी मार्केट इस रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा। ऑलरेडी 2 मंथ हो चुके हैं, आई होप कि 1 मंथ और वहां पर ऐसा हो सकता है। तो ये देखने ये हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होगा क्या वो तो मार्केट ही बताएगा और मार्केट के बिग प्लेयर्स के डाटा पॉइंट्स बताएंगे, जो कि यहाँ पर हम FII के डाटा पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। जब वो होगा तब हम अपने यहाँ पर YouTube चैनल के ऊपर आपको खुल्लम खुल्ला बताएंगे, ओपनली बताएंगे और वहां पर आपको साफ बता देंगे कि यहाँ पर मार्केट क्रैश होने वाला है। और लेकिन अभी ऐसा कोई सिनारियो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट था। अब हम चलते हैं कल के दिन क्या हो सकता है वो चेक कर लेते हैं, ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है। तो मैंने आपको चार्ट जो है बड़ा कर दिया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि वनडे का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन देखा जाए, मैंने यहाँ पर जब प्राइस एक्शन बुलिश था तब सैटरडे को बताया था कि यहाँ पर ये प्राइस एक्शन जो है ये वीक प्राइस एक्शन है और यहाँ पर एक बेयरिशनेस होने की संभावना है। और मैंने आपको कहा भी था कि सेल ऑन राइज कीजिएगा, ये सैटरडे को मैंने कहा था सेल ऑन राइज करने के लिए, और मार्केट सेल ऑन राइज ही रहा। और जब मार्केट आज 11,535 के आसपास था, टाइमिंग भी मुझे याद है 1:10, यानी कि ये टाइमिंग जो है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइएगा और क्रॉस चेक करिएगा कि इस ये जो 1:10 की टाइमिंग है क्या, और जब वो प्राइस इस वक्त था, इस वक्त ये वाला प्राइस चल रहा था स्पॉट प्राइस मार्केट का, तब मैंने आपको कहा भी था कि लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। सभी लोगों को कहा था मैंने, चाहे वो किसी भी ग्रुप में रहे हों, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मार्केट गिरने से पहले ही बता दिया था कि आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। और उसके बाद जैसे ही मैंने एग्जिट बोला वैसे ही मार्केट यहाँ पर रिएक्ट किया और मार्केट ने गिरना शुरू किया। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि बड़े प्लेयर जो है वहां पर शॉर्ट पोजीशंस में हैं और वहां पर बड़े प्लेयर जो है कैपिटल इक्विटी कैपिटल के अंदर ही पिछले हफ्ते वहां पर वीक थे, सेलिंग कर रहे थे और अभी भी वो सेलिंग ही कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है अभी भी आपको यही करना है कि मार्केट को सेल ऑन राइज ही करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी भी आपको सेल ऑन राइज ही करना है, यहाँ पर बाय ऑन डिप नहीं करना। अब दोस्तों फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो टर्नओवर है वो इंक्रीज होता हुआ, यानी कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और कैंडल भी है वो भी एक बेरिश कैंडल है। दूसरी चीज कि यहाँ पर 11,500 का जो है मार्केट यानी कि निफ्टी के अंदर मैक्स पेन पॉइंट है और यहाँ पर ये लेवल आप लोगों के लिए एक हाई रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा कल के दिन भी। तो इस चीज को भी आप समझ लीजिए, मैक्स पेन पॉइंट जो है 11,500 का फिलहाल है, 11,500 का है और ये लेवल जो है निफ्टी के लिए बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो इस लेवल के आसपास आपको सेल ऑन राइज करना है। स्टॉप लॉस के साथ करेंगे हम हर चीज, स्टॉप लॉस के साथ ही करेंगे और डाटा पॉइंट्स चेक करके करेंगे। डाटा पॉइंट्स जो चेक करके मैं आपको बता ही देता हूं लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको आज बताया था वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अपडेट करूंगा दोस्तों। यहाँ पर मार्केट के अंदर सिचुएशन जो है एग्जिस्टिंग सिचुएशन वो सेल ऑन राइज की ही है और सेल ऑन राइज ही करना है अगर मार्केट आपको इस लेवल के आसपास मिलता है तो। और नीचे का जो लेवल है दोस्तों वो दोस्तों 11,200 के आसपास का सपोर्ट है मार्केट के अंदर, और इस लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है मार्केट तब वहां पे आप बाय कर सकते हो विद लो एक्सपोजर। लो एक्सपोजर मतलब कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो यहां पर ये दो बातें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है।
बाकी की अपडेशन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूंगा जब लाइव मार्केट में रहूंगा तो, और ये वाली बातें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। अब हम दोस्तों चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा है और बैंक निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया है, और बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। बैंक निफ्टी के अंदर आप चेक कर लो कि आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी बहुत दिन से वीक चल रहा है, बहुत दिन से वीक चल रहा है, और आज के दिन जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिखाया है दोस्तों वो 22,000 के आसपास दिखाया है। तो 22,000 जो है इसका आज के दिन सपोर्ट रहा। अब अगर निफ्टी क्रैश होता है, और हम जानते हैं कि लार्ज कैप क्रैश इन द सेंस ये मतलब करेक्शन लेता है, क्रैश वर्ड मैंने गलत यूज कर लिया, माफ कीजिएगा, लार्ज कैप बैंक्स स्टॉक के अंदर भी आते हैं लार्ज कैप कंपनीज, तो वहां से करेक्शन हो रहा है, कल हमने लाइव स्ट्रीम में बताया भी था। तो अगर वहां से कंटिन्यू होता है, लार्ज कैप कंपनी से आउटफ्लो निकलना कंटिन्यू रहता है, तब यहाँ पर बैंक निफ्टी भी और गिरावट दिखा सकता है, और अगला लेवल जो है यहाँ पर आपको 21,600 तक का भी मिल सकता है। यहाँ पर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर निफ्टी वीक रहता है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको सेल ऑन राइज ही करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए भी दे दिया। दोस्तों फटाफट से चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर आपके सामने 17th of September की खुली हुई है। अब 17th of September में क्या हो रहा है आप फटाफट चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन चेन के ऊपर अभी ग्रेविटेशनल पॉइंट है वो 11,500 का है, सेकंड ग्रेविटेशनल पॉइंट जो है वो 11,400 का है दोस्तों, और थर्ड ग्रेविटेशनल पॉइंट जो है वहां पर 11,600 का है। फर्स्ट जो है वो ये है, अगर हम 11,500 के ओपन इंटरेस्ट को देखें टोटली यहाँ पर 11,500 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं 26 लाख के, जो कि पुट राइटर हैं मात्र 8 लाख। 11,500 इज वेरी मच हाई रेसिस्टेंस इन द मार्केट राइट नाउ। तो ये वाली बात मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी बता दी, ये वाली बात हमको ऑप्शन चेन के ऊपर भी दिख रही है, और जो सपोर्ट हमको देखने वाली बात है, अगर हम सपोर्ट देखें तो यहाँ पर जो सपोर्ट है डायरेक्टली 11,200 के आसपास ही मिल रहा है, अगर हम टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो। तो यहाँ पर अगले 3 दिन के अंदर 300 पॉइंट्स की रेंज रह सकती है, यहाँ पर निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट्स की रेंज रह सकती है। करना क्या है, सेल ऑन राइज ही करना है टेक्निकल्स के हिसाब से, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको बता भी देता हूं कि कोई यहां पर बड़ा प्लेयर कोई यहां पर 11,000 के ऊपर पुट बाइंग हैवीली कर रहा है, ये वाली बात भी आपको समझनी पड़ेगी। ये एक ऑप्शन चेन का एक बेरिश पार्ट होता है, और बेरिश ऑप्शन चेन यहाँ पर हमको दिख भी रही है, ठीक है दोस्तों। बाकी की हेल्प जो है मैं आपको लाइव मार्केट में करूंगा, लेवल्स के बेसिस के ऊपर मार्केट में डाटा क्या बोल रहे हैं, आपको बेरिश रहना है बुलिश रहना है लाइव डाटा के ऊपर, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हेल्प करूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर आइएगा, मिलकर कमाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए दोस्तों, थैंक यू।